दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के सिरधनी रोड का है, जहां 29 से 30 नवंबर की रात को संदिग्ध परिस्थितियों में एक शख्स कार के अंदर पुलिस को जला हुआ मिला। पुलिस ने जले हुए व्यक्ति मदन सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने आज घटना का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों सुशील गुप्ता, लाल बहादुर सैनी व रानी नामक महिला को गिरफ्तार किया है। सुशील गुप्ता क्रेशर का व्यापारी है। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि पिछले काफी समय से रानी उसके गन्ना क्रेशर पर काम करती थी। इसी दौरान उसका रानी के साथ प्रेम प्रसंग हो गया और रानी उसके साथ रहने लगी। रानी का अपने पति राशिद से तलाक हो गया था। सुशील गुप्ता ने बताया कि उसके कारोबार में 2 साल से घाटा होने लगा था। उसके ऊपर करीब 2.25 करोड़ का बैंकों का कर्ज था। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि बैंक का कर्जा कैसे उतारा जाए। व्यक्ति ने करीब 2.5 करोड़ का बीमा करा रखा था, 2.25 करोड़ का लोन था। इसकी साजिश बिल्कुल साफ थी कि मैं अपने आप को मृत बता दूं और एक नई पहचान से जीवन शुरू करूं, और जिससे उसका अवैध संबंध था उसके साथ रहूं, तो वो सबकी निगाह में मरने के लिए एक निर्दोष इनोसेंट आदमी को शराब के ठेके से अपने जाल में फंसाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर शराब पिलाकर धुत करके उसको जिंदा जलाने की साजिश कर रहा। अभी वो सफदरगंज अस्पताल में मजरूह संगत जीवन की लड़ाई लड़ रहा है, उपचाराधीन है। इसमें इस टीम को मैंने 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया है और पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय ने भी इस टीम को पुरस्कृत किया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।